हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इकबाल। कहते हैं ना, मौजें फिजा में यार गुल खिला गया, मौजें फिजा में यार गुल खिला गया, नज़ारे में नकाब काम कर गया। एवरीवन खुशामदीद वन मोर टाइम एक और नए एपिसोड के साथ ऑफ शेफ 21, जहां बेस्ट रेसिपीज आप देखते हैं रोजाना एवरी सिंगल डे 6 से 7 ऑन के 21 न्यूज। आज सीमा जी, सुंबल और काफ़ी दोस्तों ने कहा, मिसेस मुनव्वर राहिल एंड मिसेस उमेर ने कहा कि ऐसे चटपटे और तेज़ खाने हों जिसमें नींबू की खटास भी हो। तो आज स्मोकी टिक्का बना रहे हैं जिसमें नींबू की खटास, चटपटा एंड आला बनेगा। अच्छा, इसके साथ ही खीर बनाएंगे हम, खीर। लेकिन आज जिस खीर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, वो एप्पल सेब की खीर। सेब की खीर, इजी स्मोकी चिकन, ये इजी स्मोकी टिक्का और खीर बनाएंगे सेब की, एप्पल खीर। तो पहले इसकी जानिब चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टू मेक इजी स्मोकी चिकन, ये टिक्का जो है, यहाँ पर एक अदद कोयला हमने जला लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने की नजर से ऐसे ज़रा गर्म होने दीजिए और तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसका जो दम देंगे स्मोकी, वो आखिर में, इन दी एंड, ठीक है जी, इन दी एंड, आखिर में। और यहाँ मुर्ग मौजूद है, बोनलेस चिकन। ये आज हमने ख्याल रखा है कि जब टिक्का या इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत से लोग चेस्ट पीस पसंद करते हैं, बहुत से लोग लेग, तो बोनलेस है, लेकिन दोनों इसमें हम, ठीक है ना, तो दोनों का एक अपना ही यू नो मज़े का फ्लेवर होता है। इसके पीसेस जरा इतने ज़्यादा बिग साइज के नहीं होंगे, नॉर्मल, और से ज़रा थिन भी कर लेंगे जी, इजी स्मोकी टिक्के के लिए। इस तरह थिन कर लीजिए या कुछ कट लगा लीजिए इस तरह। हैमर से जरा इसे थिन करते रखते भी जाएंगे, बिल्कुल पतला कर लेंगे। और ये वो कटिंग रखी है जो तरियाकी की होती है जापानीज में, ठीक है, तरियाकी स्टाइल में ये चिकन को कटवाया हमने। और हल्का हल्का इस तरह कट भी लगा दीजिए जी, ताकि ये जो स्पाइसेस ऐड करें, तो चाहे नींबू की खटास हो, चाहे मिर्ची हो, सारा चटपटापन इसके अंदर तक जाएगा तो मजा आएगा। थिन कर लीजिए इसे जी। और कुछ देर में आपकी कॉल्स लेंगे, पार्टिसिपेशन रहेगी, टिक्का बना रहे हैं, एप्पल की खीर बना रहे हैं, तो सिलसिला है जारी। और लगभग एक महीने के बाद हम रमजान के महीने में दाखिल हो चुके होंगे, तो बस दुआ अल्लाह ताला से, सबकी सेहत जिंदगी के लिए दुआ। कोई भी नहीं जानता कि आने वाले कल वो होगा भी या नहीं, नो वन नोज, तो दुआ जरूर कीजिए। अच्छा, ये मुड़ गए, इसे मैरिनेट करते हैं। एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था, बहुत अरसे से मैंने देखा कि जिन लोगों की एज, जिन दोस्तों की एज 60 साल है या 50 साल है, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जो आसपास मैंने देखा वो बीमार नजर आते थे, वो डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, हॉस्पिटल भी जा रहे थे। लेकिन ज्यादातर मैं जो तहकीक भी बता रही, उनके अंदर मर्ज क्या है, वो ये है कि टेंशन, डिप्रेशन, उनकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती, दोस्त ना उनके दोस्त हैं, ना भी उनकी कोई एक्टिविटी है, यू नो कोई गाने सुनने हैं या स्पोर्ट्स या कुछ भी, ऐसी एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ इस पर ये डिप्रेशन, टेंशन, ऐसे ही होता है कि बीमारी ना भी हो लेकिन बिल आखिर यू नो ऐसे चलते चलते कन्फ्यूजन के बाद बीमारी हो ही जाती है। तो मेंटली आई थिंक बहुत ज़रूरी है, तो खुशी मिलना ज़रूरी है, मेंटली रिलैक्स होना ज़रूरी है, काउंसलिंग ज़रूरी है। और माँ बाप की एज ज़्यादा हो गई तो बच्चों को चाहिए कि उनसे ज़रा बातचीत करें, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये काट लिया है मिर्च, ज़रा मैरिनेट कर लेंगे क्विकली, इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते हैं। और
और बजाय इसके कि आपके अपने इस दुनिया से चले जाएं, फिर जब वो हयात हो, जब जिंदगी हो, तब उनको यूँ खुशियाँ दें, या जो भी आपके लिए पॉसिबल हो या जो हमारे लिए पॉसिबल हो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मुर्ग के अंदर ये सभी कुछ ऐड करते हैं, और हम चाहेंगे कि टॉप बैग में ज़रा ये आवाज़ कम हो जाए तो ताकि आपसे भी बात हो सके। तो ये बोनलेस मीट में 1 कप दही ऐड करते हैं, 1 कप, 500 ग्राम चिकन, 1 कप दही, ठीक है जी, 1 कप से ज्यादा, 1 कप ऐड कीजिएगा। टिक्के का चटपटा स्पाइसी होना लाजमी है, जरूरी है, वैसे कम कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली होती है इसमें। अच्छा, सबसे पहले आगाज जिस स्पाइस से हुआ, नमक ऐड किया और लाल मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई, जो भी पिसी भी डलती, वैसे गरम मसाला पाउडर या आधा चम्मच, हल्का सा जर्दे का रंग 1-2 चुटकी, जरा सी काली मिर्च, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1, और ये लगभग 2 चम्मच ऐड किया, 1 अदद लेमन, नींबू की खटास मेरे ख्याल से बहुत अहम चीज होती है जब हम बात करते हैं टिक्के की, टिक्के की। पैन को जरा अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए, तो नींबू की खटास भी हमने शामिल करनी है इसके अंदर। तो ये सूरत हाल है जी, इस तरह यहां से स्टार्ट किया और इसे इस तरह घुमा दीजिए ताकि बिल्कुल ये जूसी हो, और इसमें ऐड करें तो मजे की खटास का आना भी लाजमी है। तो चलिए नींबू ऐड करें जिसके अंदर, जो जिनको जरा खटास ज्यादा पसंद हो, या जिस तरह अंग्रेजी खानों में लेमन बटर वाला सॉस वाला जो जायका हो, तो उस टाइप का वो चाहते हो, तो 2 नींबू भी ऐड कर सकते हैं आप। और नींबू जूस आप बनाकर रखते हैं कॉम्पेटिबल, इसके जो ताजा नींबू ऐड करते हैं मेरे ख्याल से इसकी खटास मजे की होती है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसे मिक्स कीजिए और 1 चम्मच ऑयल भी ऐड किया इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए ताकि दही के अंदर ही और ये सभी चीजों का जायका रचे। क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या इससे फर्क आता है कि आपने उसी टाइम मैरिनेट किया बना लिया, या उसी इंग्रीडियंट्स वही है, बनाने वाले पर वही है, मेथड भी सेम है, लेकिन अगर 1 या 2 घंटे के लिए रख लिया जाए तो बहुत फर्क आ जाता है, और अगर रात भर रख लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। पैन रेडी हमारा, ज़रा और हम चाहेंगे वो गर्म हो जाए अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद ये मीट इसी के अंदर कर दो, बस ज़रा गर्म हो जाए, ठीक है जी। ईजी स्मोकी टिक्का, स्मोकी फ्लेवर लाएंगे जब इसमें हम कोयले का दम देंगे। जरा सा ऑयल ऐड किया, बस इतना कि ये सरफेस पे लगे ना, उसके बाद ये सभी मीट ऐड कर रहा हूं। ठीक है जी, और इसे जरा मैं चाहूंगा जरा पैन जरा और गर्म हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि ये कलर यहाँ अच्छा आना इसमें लाजमी है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इसी स्मोकी टिक्का, उसके बाद एप्पल की सेब की खीर, मजा आएगा आपको, बनाते हुए भी और खाते हुए भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मैं चाहूंगा जरा पैन अच्छी तरह गर्म हो जाए, 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड किया, बल्कि कहा जा रहा है एक वक्फा, तो एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद सफर जारी रखेंगे, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद। और सच फैक्ट है जो कहते हैं ना, अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, नाकाम हो कामयाबी से डरते हो। डर हमेशा से कमजोर लोगों का दुश्मन रहा है, ठीक है जी। लेकिन एहतियात जरूरी है जी, एहतियात जरूरी, हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो ये इजी टिक्का बना रहे हैं, ये ऑयल गर्म करने के बाद ये एक एक करके मुर्ग इसी के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है जी, और ये सभी मुर्ग ऐड कर रहे हैं, और स्मोकी टिक्का है, फ्लेवर लाएंगे स्मोक वाला भी, और मजा आएगा जब आप बाइट भी लेंगे इसका। तो ऑन द अदर हैंड एक और चूल्हे पे यहाँ पे कोयला जल रहा है, कोयले का दम देंगे, स्मोकी फ्लेवर लाएंगे, और दो तरह के मेन्यू मेरे ख्याल से हमारे यहाँ बनते हैं अपने। बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो बात नहीं कर रहे, सिंपल लफ्ज़ों में, एक तो आपने कोरमा खा लिया दूध वाले नान के साथ, किसी भी रोटी के साथ, कंधारी नान के साथ, या बिरयानी खा ली, और हल्का फुल्का मीठा होता है। लेकिन आज एप्पल की खीर बना रहे हैं, तो नमकीन फूड हमारा ज़रा हल्का लाइट है, ये वो खाना नहीं जिससे आपका पेट भरने पेट भरे। लेकिन खीर एक मज़े की सेब की इसके साथ आज पेश करेंगे। तो ये चीज़ें अहम थी, और कलर आने के बाद टर्न ओवर कर लीजिए। ये भी ग्रिलिंग है, ठीक है जी, इसे भी ग्रिलिंग ही कहा जाता है। नीचे से हीट आ रही है, सिर्फ वो ग्रिल पैन वाली या चारकोल ग्रिल ग्रिल नहीं होती, ये भी ग्रिल होती है। ठीक है जी, बस सिलसिला जारी है, और कुक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब चलना है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं आपके इस तरह का कोई ड्राई चीज़ बना ली, उसके साथ सब्जियां या सैलड सैलड रखा, कुछ रायता, ग्रीन चटनी या इमली की चटनी, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा, कहा जा रहा है आज से फिर लॉकडाउन सख्त हो रहा है, मेरे ख्याल से रात 10 बजे के बाद कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, ज़रूर अपने आप से मोहब्बत कीजिए, है ना। तो मेरा ना बन तो ना बन, अपना तो बन। तो बस दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला खैर करे, कर्म करे, और बस यहाँ सिलसिला जारी है। ठीक है जी, कुछ ही देर में इसमें कोयले का दम भी देंगे, कवर ले आते हैं, सेब की खीर बनाएंगे, एप्पल खीर। अच्छा, जब ये कलर आ जाए, जब कलर आ जाए तो उसके बाद ये वो टिक्के का मसाला जिसमें मैरिनेट किया था, ये इसी के अंदर हम शामिल कर लेते हैं। अब चूल्हा कर लीजिए कम, जितना नॉर्मल धीमी आंच पर ही, जरा टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, तो एक मजा आएगा। इसके साथ एक जो कोयला हमने जलाया था जो मौजूद है, उसको जरा दम देते हैं। तो अनियन रख लीजिए, ये छोटी प्यालियां बहुत अच्छी आती हैं, जो हमारे घर पे मौजूद हम इस तरह देते हैं, जो एल्यूमिनियम की छोटे साइज की, उसमें भी आप रख के कोयले का दम दे सकते हैं। अनियन यहाँ रखा, और इस ऑनियन के ऊपर ये कोयला रखा, ठीक है दोस्तों, और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के, चूल्हा नॉर्मल रखिए, फ्यू ड्रॉप ऑयल के कोयले के ऊपर, और से कवर कर लीजिए।
ठीक है जी, धीमी आंच पर रखिए, तो ये स्मोकी और मजे का फ्लेवर आएगा। अच्छा, स्मोकी या कोयले का फ्लेवर ये भी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पाकिस्तान का, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, आप जब देखेंगे ये यूरोपियन वेस्टर्न खानों में भी ऐसा होता है, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन या दुनिया भर में ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है जी, अच्छा अब चलते हैं जी, एक खीर बना रहे हैं और मैं तो चाहूँगा आप सब देखें ये खीर किस तरह ये करनी है तैयार, और एट द सेम टाइम मजे की खीर बनेगी। सेब की खीर कर रहे हैं तैयार, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एप्पल, सेब, जिसे कद्दूकश कर लिया है तीन अदद, ठीक है जी, तीन अदद सेब जिसे कद्दूकश कर लिया है, ये पेस्ट टाइप का ही लग रहा होगा लेकिन ये एप्पल है। और इसी में हम ऐड करते हैं कि दूध है हमारे पास कितना, 1 लीटर, तो इसमें 1 कप लगभग चीनी ऐड कर रहा हूं। जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये डिफरेंट है, ये इस तरह खीर नहीं बनाते कभी भी हम, ठीक है। हल्का सा कैरमलाइज कर रहे हैं चीनी को, लेकिन ये चीनी को ऐसे अकेला नहीं कर रहे, इसको एप्पल के साथ, केले के सेब के साथ इसको बुनाई कर रहे हैं जी, सेब की, सेब और चीनी की, ठीक है जी, इसे पकने दीजिए। सेब के अपनी जगह फायदे बहुत ज्यादा, आयरन इसमें काफी होता है और बहुत अच्छा आपकी सेहत के लिए, आयरन काफी होता है जो बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करे, और कुछ डॉक्टर तो ये कहते हैं जिनके बाल गिर रहे हैं रोजाना एक सेब जरूर खाएं बालों के लिए भी, तो आई थिंक अच्छा है। ठीक है जी, तो इसकी बुनाई हो रही है और स्मोकी ये भी प्रोसेस जारी है। लेट्स सी आज आपकी कॉल्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन थैंक यू एवरीवन जो लोग मौजूद होते हैं, कॉल करें ना करें, शो का हिस्सा बने ना बने, लेकिन देख रहे होते हैं तो आप भी एक शो का हिस्सा हैं डेफिनेटली। तो एप्पल को जरा देखें, ये सेब और ये चीनी बिल्कुल डिसॉल्व होने के बाद कुछ देर इसे मजीद पकाना है, कुक करना है कुछ देर मजीद, ठीक है ना। और इस तरह चम्मच भी चलाते रहिएगा मुसलसल, कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहिएगा, तो ये भी अपनी जगह बहुत अहम चीज है, ठीक है जी। तो यहाँ सिलसिला है जारी, इसके साथ ही क्या ख्याल है इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लें, ठीक है जी। हमारा ये जो इजी स्मोकी टिक्का की हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब, उसके बाद हम खीर को भी चूल्हा जरा नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है जी। स्मोकी ये जो फ्लेवर आ जाए ये कोयले का, उसके बाद कवर हटा रहे हैं। कोयला भी रिमूव कर रहे हैं, और प्याज का ये होता है कि प्याज का भी अच्छा फ्लेवर आता है जब आप इनको एक साथ करते हैं बुनाई। ठीक है जी, ये भी बस मेरे ख्याल से जरा इसमें कच्चापन है, तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हम मजीद इसे कवर रखेंगे, और एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, ब्रेक के बाद सफर जारी रखेंगे। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शो, और ये हमारा इजी स्मोकी चिकन ये हो चुका है तैयार। अच्छा, उससे पहले इसकी प्रेजेंटेशन करें हम, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो
चलिए पहले इसी को फाइनल कर लेते हैं जी। ठीक है जी, तो ये मुर्ग निकाल लेते हैं जी। चूल्हा बिल्कुल कम किया और ये देखें, जूसी है, मजे का है और स्मोकी फ्लेवर काफी उम्दा आ चुका है इसमें। देखिए अब एक एक करके इस तरह ये रखते रहेंगे, क्या बात। अच्छा, चपाती के साथ या राइस के साथ, दोनों के साथ आप पेश कर सकते हो, तो मर्जी आपकी है। ठीक है जी, तो दोस्तों इसे रख रहे हैं यहाँ और गार्निश के लिए कुछ एप्पल है, ये खीरा मौजूद है, इसे जरा काटना, जरा सलाद पत्ता। स्लाइस ही कोकम्बर या एज के एज पे रख रहे हैं और टू मेक इट मोर कलरफुल यहाँ कुछ लेमन है इस तरह रिंग काट लीजिए। ठीक है, नींबू के रिंग्स रखे और हल्का सा यहाँ टमाटर है बिल्कुल फाइन इस तरह जूलियन कार्ड के साथ रखेंगे ये इसके राइस के ऊपर। ठीक है जी, तो इजी स्मोकी टिक्का हो चुका है तैयार। अब चलते हैं खीर की जानिब और चूल्हा यहीं ले आएंगे, चूल्हा यहीं ले आएंगे, पोट यहीं ले आएंगे। दोस्तों ये शेयर करें मैं चाहूंगा, जरूर देखिए, बहुत अहम ये मसाला है। सेब कद्दूकस किए हुए थे 3 अदद, उसमें चीनी अड़ की, इसकी भुनाई की, भुनाई के बाद 1 लीटर दूध ऐड करें जी। चूल्हा तेज ही रखना है और ये वक्त ना काफी है जितना टाइम हमारे पास है, क्योंकि कम है, क्योंकि इसकी बुनाई यू नो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वक्त कम है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, ये चावल उबाल कर ये पीस लिए थे हमने, ये भी इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं, ये लगभग 1 कप। ठीक है जी, ये भी इसको थिक करने में भी हेल्प करेगा और मेरे ख्याल से खीर ऐसी चीज है जो जिस तरह गुलाब जामुन या कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपकी हाथ की परफेक्शन होती है, खीर भी ऐसा ही है, और कोई इतना अच्छा नहीं बना सकता खीर। चूल्हा जरा तेज रखिएगा और वुड स्पून से ही इसी तरह जैसे हम हलवे की बुनाई करते हैं वैसे मुसलसल इसको ये प्रोसेस जारी रखिएगा। ये देखिए, ठीक है जी, तो इस तरह सिलसिला जारी। और जो लोग देख रहे हैं इसमें जो येलोइश कलर जो आ रहा है, ये चीनी को जो कैरमलाइज किया था एप्पल के साथ, सेब के साथ, ये वजह थी कि इसके अंदर ये कैरमलाइज और ये टेक्सचर इसका काफी अच्छा आ रहा है। जरा से ये राइस और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इतना काफी। अच्छा, इसमें क्रीम भी ऐड मिलानी है हमने। ठीक है जी, क्रीम भी मिलानी है। तो ये कंटिन्यूसली मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। ठीक है जी, इसका प्रोसेस है जारी, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं और कोशिश की जाए, ज़रूरी है, लाजमी है कि हेल्दी खानों की बात करें, सेहत की बात करें। बहुत तेज़ी से लोगों के बाल जा रहे हैं, औरतों ने काफ़ी ज़्यादा लोग कह रही हैं ख़वातीन हमारे बाल गिर रहे हैं। आई थिंक जो पिछला जो महीने थे वो रिसर्च भी बताती, कुछ महीने ऐसे कुछ ऐसा होते हैं जिसमें आपके बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, हेयर फॉलिंग होती है। लेकिन अब जो मेरे ख्याल से अगले महीनों में मेरे ख्याल से बेहतर होगा, डाइट अच्छी लें, जो हम बात करते हैं वैसा ही है, और
वेट भी मुनासिब रखिए जी, वजन का भी ख्याल जरूरी है, लाजमी है, ठीक है जी। तो आई थिंक ये सब बातें अपनी जगह हैं, बहुत जरूरी अहम, ठीक है जी। तो ये पहले तो इंतजार है ये जरा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध कम होता जाएगा लेकिन इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है जी, जो अपनी जगह काफी मजे का बनेगा। हमने बात की कितने फीसद मर्द हजरात कुकिंग करते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे मुल्क में, एक तो हमारे ये डायरेक्टर साहब अली जर साहब भी बहुत शौक रखते हैं, और वंस इन्होंने ब्रोस्ट बनाया, तो ब्रोस्ट बनाते हुए इन्होंने एक अपना शो रिकॉर्ड किया, तो वो भी काफ़ी ये उम्दा। देखें अच्छी तरह इसकी इन्होंने बुनाई का सिलसिला रखिएगा जारी, और अब देखिए दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, अब क्या होगा ऐसा ऐसा दूध कम होगा, फ्लेवर इसका स्ट्रॉन्ग और मज़े का होता जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह प्रोसेस जारी रखिएगा, इसके साथ ही बाकी चीज़ों को रिमूव भी कर लेंगे, और यहाँ इसमें जो खुश्क मेवा ऐड करना है, बादाम पिस्ते अखरोट ये वॉलनट ये सब कुछ इसमें ऐड करना है। ठीक है जी, इस तरह से खुश्क मेवा जात भी कुछ देर में ऐड करना है, बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर आ रहा है और इसका प्रोसेस है जारी। देख रहे हैं एप्पल का भी अच्छी तरह से इसके अंदर अब जायका रचता जा रहा है। जी पहली जो चीज हमने बनाई है इजी स्मोकी टिक्का, ये टिक्के को मैरिनेट किया, यहाँ पर बनाया, आखिर में कोयले का दम दिया, स्मोकी फ्लेवर आया, और अभी यहाँ खीर हो रही है तैयार, सेब की खीर, चीनी में हमने सेब ऐड किए, बुनाई की, दूध ऐड किया, चीनी ऐड की, और कुछ ही देर में इसमें हमने क्रीम भी मिलानी है, फ्रेश क्रीम, जिससे एक मजे का हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, इससे भी जरा चौक ठीक है जी, बादाम पिस्ते और ये इन चीजों को भी चॉप करें जी। अब इसका प्रोसेस देखिए, मेरे ख्याल से जरा सा चावल और ऐड करो। अच्छा यहाँ इसका टेक्सचर कब चेंज होगा, इसके जो फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं रिच है जी, बहुत अच्छी, बच्चों को जरूर दीजिए, ताकतवर है, इसमें चावल ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, दूध में प्रोटीन, क्रीम में प्रोटीन, खुश्क मेवा जात के फायदे, तो रिच एंड हेल्दी डिश है जी, ठीक है जी। और फिर से ज़रा यू नो इसकी ये भुनाई या प्रोसेस इसका जारी है। ठीक है जी, अच्छा खीर का ये भी होता है कि जितनी ज़्यादा देर पकती है, प्रोसेस जारी रहता है, तो उससे और ज़्यादा मज़े की हो जाती है, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से अहम बात होती है काफ़ी। ठीक है जी, चावल ऐड किए और फिर से से पकने दीजिए अच्छी तरह से। एक और चीज, बहुत से लोग ड्यूरिंग बॉइलिंग भी वो ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा थिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करता, आई थिंक ठंडा होने के बाद ही यू नो और मजीद थिक होती जाएगी,
तो बाउल जिसमें हम निकालेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, टिक्के भी तैयार हैं, और चपाती के साथ या राइस के साथ जैसे भी आपको पसंद हो जरूर ट्राई करें। ठीक है जी, चूल्हा बंद किया और इसे निकाल लिया। बादाम, पिस्ते और ये अखरोट, ये सब कुछ आखिर में टॉप पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, जो जो जहां जहां मौजूद रहे जरूर ट्राई कीजिए। खुश रहें, शादोआबाद रहें, खुश रहना है जरूरी। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।